नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज फिर मैं आपके सामने एक बार फिर से क्लाइमेटोलॉजी का एक महत्वपूर्ण विषय लेके हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से पहले यह जानना जरूरी है कि क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होते क्या हैं और किन अप्रोचेज के आधार पर ये दिए जाते हैं। तो हम देखेंगे आज क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कोई भी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हो, किसी भी निश्चित आधार पर किया जाता है। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से हमारा अभिप्राय जलवायु के उस वर्गीकरण से है जो किसी निश्चित आधार के ऊपर, किसी वेल डिफाइंड बेसिस के ऊपर आधार बना के पूरा वर्ल्ड वाइड किया जाता है या किसी भी मैक्रो मेसो और माइक्रो रीजन पर दिया जाता है। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का वैसे तो प्रयास बहुत लंबे समय से जारी है, ईसा पूर्व से लेकर आज तक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होते रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे पहले क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का प्रयास अरिस्टोटल महोदय ने शुरू किया था। उन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि तापमान के आधार पर पूरे वर्ल्ड को हम तीन जोन में बांट सकते हैं। पहला उन्होंने ट्रॉपिकल बताया, दूसरा उन्होंने टेम्परेट रीजन बताया और थर्ड उन्होंने टोरिड जोन बताया। ये तीन रीजन अरिस्टोटल ने सबसे पहले बताए और ये एक बार या दो बार नेट के पेपर में भी पूछा गया है कि हु फर्स्ट डिवाइड द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, मीन्स सबसे पहले टेम्परेचर के आधार पर दुनिया में वर्ल्ड को क्लासिफाई किसने किया। तो राइट आंसर आपका आएगा अरिस्टोटल। तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का हम कह सकते हैं प्रयास ईसा पूर्व शुरू हो चुका था। उस समय से लेकर लगातार प्रयास होते आए और मॉडर्न टाइम में भी कोपेन, थ्रोन्थवेट, फ्लोन महोदय और ट्रिवार्था सभी ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के प्रयास किए हैं। अब हम देखते हैं अप्रोचेज ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जिनके आधार पर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। अप्रोचेज ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, तीन अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण हैं, मुख्य हैं, जिनके आधार पर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। सबसे पहला है, इसमें आएगा जेनेटिक अप्रोच, दूसरा आएगा अप्लाइड अप्रोच, थर्ड आएगा एम्पिरिकल अप्रोच। अब हम देखते हैं कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो अब यहां से देख सकते हैं एम्पिरिकल अप्रोच से हमारा अभिप्राय है कि जलवायु की जो विशेषताएं हैं उनके आधार के ऊपर क्लाइमेटिक रीजन का सीमांकन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट के इंडिकेटर्स हैं, जैसे तापमान है, वर्षा है, वायुदाब है, विंड सिस्टम है, उनके जो अवेलेबल डाटा आपके पास हैं, उनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन है और कोपेन का क्लासिफिकेशन इसी अप्रोच के ऊपर आधारित है। दूसरा हम कह सकते हैं जेनेटिक अप्रोच, इसी के बाद आती है। जेनेटिक अप्रोच में क्लाइमेट की उत्पत्ति के कारणों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है कि किसी भी प्रदेश के अंदर कोई विशेष जो जलवायु पाई जाती है उसकी उत्पत्ति के मूल कारण क्या है, उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन दिए जाते हैं वो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है। जीटी ट्रिवार्था का जो क्लासिफिकेशन है, जर्मन के एक महत्वपूर्ण क्लाइमेटोलॉजिस्ट प्लोन होते हुए हैं, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन इसी आधार पर दिया है। थर्ड हमारा है अप्लाइड अप्रोच। अप्लाइड अप्रोच में हम कह सकते हैं कि जलवायु का जो प्रभाव किसी दूसरी वस्तुओं पर पड़ता है उसको आधार मानकर जो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं वो अप्लाइड अप्रोच क्लासिफिकेशन माने जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने आवास और निवास स्थान बनाता है, कपड़े पहनता है, भोजन ग्रहण करता है, यह भी क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस के दायरे में आता है कि विंटर सीजन में, समर सीजन में मनुष्य कैसे क्लोथ पहनता है, किस तरह से वस्त्र धारण करता है। इस प्रकार के जो क्लासिफिकेशन दिए जाते हैं वो अप्लाइड क्लासिफिकेशन है, इसे फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो ये तीन अप्रोचेज हैं जिनके आधार पर वर्ल्ड के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कोपेन ने सन 1900 ईस्वी के अंदर क्लाइमेट वर्ल्ड के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का सबसे पहला प्रयास किया। लेकिन यह जो क्लासिफिकेशन था ये वेजिटेशन पे आधारित था। वेजिटेशन पे सर्वप्रथम वर्ल्ड के अंदर 1874 ईस्वी के अंदर
कैंडोल ने क्लासिफिकेशन दिया था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इसी कैंडोल क्लासिफिकेशन को आधार बनाकर 1900 ईस्वी में कोपेन ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया। इसके बाद में 1918 ईस्वी में कोपेन ने संशोधित रूप प्रस्तुत किया जिसमें तापमान और वर्षा को आधार बनाया, मासिक और वार्षिकी औसत देखा तापमान और वर्षा का, फिर इन्होंने मॉडिफाइड किया और अपना क्लासिफिकेशन का संशोधित रूप दिया। यह बहुत ज्यादा फेमस हुआ और सामान्यतः जब भी कभी बात आती है कि कोपेन ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कब दिया, हम आंसर 1918 देते हैं, जबकि सच्चाई है कि उन्होंने सबसे पहला प्रयास 1900 ईस्वी में शुरू किया था। इसके बाद में 1931 ईस्वी के अंदर उन्होंने अपना 1918 का जो मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन था उसका अंतिम रूप दिया और एक वर्ल्ड का मैप बनाया जो विश्व की क्लाइमेट्स को शो करता हो। इसी के ऊपर 1936 में पहली बार गीगरपाल और कोपेन ने इस मॉडिफाइड मैप के ऊपर, इस क्लाइमेटिक मैप के ऊपर मॉडिफिकेशन किया जिसे हम कोपेन गीगरपाल मॉडिफाइड मैप भी कहते हैं। देन फाइनली 1953 के अंदर एक और क्लासिफिकेशन मॉडिफाइड करते हुए गीगरपाल और कोपेन ने प्रस्तुत किया जो बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ, इसे कोपेन गीगरपाल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये इसका एक बैकग्राउंड था कि कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किस तरह से मॉडिफिकेशन के दौर से गुजरा है और किस तरह से उसमें गीगरपाल का योगदान भी रहा है। अब हम देखते हैं क्लासेज एंड सब क्लासेज ऑफ कोपेन क्लासिफिकेशन, कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कोपेन ने दो क्लासेज यूज की हैं, पहली इन्होंने थर्मल क्लास ली है, दूसरा इन्होंने मॉइस्चर क्लास ली है। थर्मल क्लास में इन्होंने ए सी डी और ई को रखा है, जबकि मॉइस्चर क्लास इन्होंने ए की दी है, बी को रखा है। ए सी डी ई ये तापमान के ऊपर आधारित क्लास हैं, टेम्परेचर बेसिस हैं, टेम्परेचर को इनमें आधार बनाया गया है, और बी जो क्लास है वो प्रिसिपिटेशन पर आधारित है, प्रिसिपिटेशन बेस है। तो हम इन क्लासेज में जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा है। ए क्लास में इन्होंने कहा ए को ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बी को इन्होंने कहा एरिड क्लाइमेट, सी में इन्होंने कहा मेसोथर्मल क्लाइमेट, डी में इन्होंने कहा माइक्रोथर्मल क्लाइमेट, ई में इन्होंने कहा पोलर क्लाइमेट। इन पांच क्लास के अलावा इन्होंने एच क्लास का भी यूज किया है। एच क्लास का मतलब है यहां पे हाईलैंड्स में हम कह सकते हैं माउंटेनियस एरियाज, पर्वतों पे पाई जाने वाली जलवायु को इसमें शामिल किया जाता है। ए में यहां पे अभिप्राय है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ए क्लास उन ट्रॉपिकल क्षेत्रों के लिए यूज की जाती है, उन उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए यूज की जाती है जहां पर प्रत्येक महीने का जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। ए मीन्स इन्होंने कहा औसत तापमान मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस। बी में इन्होंने कहा कि एरिड क्लाइमेट है, इसमें एक ही महत्वपूर्ण विशेषता है इवापोरेशन एक्सीड प्रिसिपिटेशन, मतलब वर्षा कम होती है, इवापोरेशन इसमें ज्यादा होता है, इसमें सभी डिजर्ट शामिल है। देन सी में इन्होंने कहा कि सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो बट -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। सबसे ठंडे महीने का तापमान जिसमें कहा मेसोथर्मल क्लाइमेट में, यहां पर दोनों तरह के सीजन पाए जाते हैं, समर भी पाया जाता है, विंटर भी पाया जाता है। यहां पे समर सीजन ज्यादा हैवी होता है बी के अंदर, ए के अंदर विंटर नाम की कोई चीज नहीं होती, ए में समर ही चलता है, इक्वेटर के नजदीक के क्षेत्र इसमें शामिल है। तो सी में इन्होंने कहा ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो और -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, जबकि सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, तापमान को आधार बनाया हुआ है यहाँ पे। डी में ये कहते हैं, डी में भी आप देख सकते हो, डी जो क्लास है माइक्रोथर्मल क्लाइमेट में, इसमें इन्होंने कहा कि सबसे ठंडे महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, मतलब 18 और 10 के बीच में होना चाहिए सबसे ठंडे महीने का तापमान। यहां पे भी समर और विंटर दोनों होते हैं बट यहां पे विंटर ज्यादा हैवी होना शुरू हो जाती है। बट ई में इन्होंने कहा कि जो सबसे गर्म महीना है
उसमें तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे विंटर सीजन ज्यादा हैवी करता है, समर नाम की समर सीजन बहुत कम होता है, फिर भी सबसे जो गर्म महीने का तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, और जो सबसे ठंडे महीने हैं वो माइनस में रहते हैं, यहाँ पे टोरिड जोन होती है, ये अरिस्टोटल ने जैसे बताया। तो ये हमने क्लासेज ले रखी हैं, एच एच में तापमान और वर्षा का कोई इंडिकेटर नहीं है, एच में सीधा हमने कहा हाईलैंड क्लाइमेट, मींस ए क्लाइमेट विच इज फाउंड ऑन द माउंटेनियस और हिल टॉप। तो ये इन्होंने क्लास यूज कर रखी हैं ए बी सी डी ई और एच। इसके अलावा इन्होंने कुछ सब क्लास भी ली हैं, देखिए वो कैसे आएंगे। सब क्लास का मतलब है जो क्लासेज है वो सारी की सारी कैपिटल लेटर से शो कर रखी हैं, इसमें कैपिटल लेटर हैं, जबकि सब क्लास है वो स्मॉल लेटर से भी प्रदर्शित कर रखी हैं। स्मॉल क्लास में सबसे पहला हम देखिए स्मॉल एफ आएगा, यहाँ पे मीनिंग निकलेगा नो ड्राई सीजन, जहां पे भी आपको स्मॉल एफ दिखेगा एक एक कैपिटल लेटर आएगा ए बी सी डी ई एच, और उनके साथ में स्मॉल लेटर्स आएंगे, क्लास प्लस सब क्लास मिलके क्लासिफिकेशन निर्धारित करते हैं। तो एफ में मतलब है नो ड्राई सीजन, एक आएगा स्मॉल एस, यहाँ पे मीनिंग निकलेगा समर ड्राई, मींस यहाँ पे समर जो महीने हैं वहां पे किसी भी महीने में 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे समर ड्राई किया गया है। डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे निकलेगा विंटर ड्राई, विंटर ड्राई सीजन मतलब जो विंटर महीने होते हैं वहां पे 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पर मंथ नहीं होती। इसके अलावा इन्होंने स्मॉल एम यूज कर रखा है, उसका मतलब है मॉनसून क्लाइमेट, भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है ये। स्मॉल एच यूज कर रखा है इन्होंने, इसका मतलब है हॉट क्लाइमेट, हम कह सकते हैं ड्राई क्लाइमेट भी कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने कैपिटल डब्ल्यू यूज कर रखा है, इसका मतलब निकलेगा यहाँ पे एरिड क्लाइमेट। तो इस तरह से इन्होंने अन्य भी सब क्लासेज यूज की हैं, जो सबसे ज्यादा यूजेबल रहेंगी, मोस्ट फ्रिक्वेंट जिनका यूज होगा वो ये सब क्लास हैं। इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से ये सारी सब क्लासेज हैं आपस में मिलकर एक क्लासिफिकेशन को निर्धारित करती हैं, हम कंपोजिट क्लासिफिकेशन कहते हैं कोपेन की इस क्लासिफिकेशन को। आप एक क्लास यहां से लेनी है, वहां से सब क्लास लेनी है, जैसे ए एफ ए एस ए एम, ये तीन क्लास हुई। ए मतलब हमने कहा था ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एफ मीन्स हमने कहा था नो ड्राई सीजन, हम कह सकते हैं विथ नो ड्राई सीजन। इक्वेटर के नजदीक के जो क्षेत्र हैं वो इसमें आते हैं, जहां पे सारा साल पूर्ण रूप से वर्षा होती है, हम कहेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एस मतलब हमने कहा था समर ड्राई, ट्रॉपिकल क्लाइमेट मॉनसूनी, ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट जो पूर्वी पश्चिमी घाट पे पाई जाती है, भारत में पश्चिमी घाट पे अधिक वर्षा होती है, भारत की क्लाइमेट को हम मॉनसूनी क्लाइमेट कहते हैं। तो ये ए की क्लास थी, इसी तरह से हम बी की देख सकते हैं। बी के अंदर सबसे पहले बी एस बी डब्ल्यू, बी का हमने कहा ड्राई क्लाइमेट, एस का मतलब कैपिटल एस का मतलब है स्टेपी, इसे एरिड स्टेपी क्लाइमेट भी कहते हैं। डब्ल्यू का मतलब हम कहेंगे यहां पे डेजर्ट्स, जितने भी डेजर्ट्स हैं वो बी डब्ल्यू में आते हैं। जब इनके साथ कई बार के लग जाता है स्मॉल के और स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एच, तो इनमें मीनिंग क्या निकलेगा, जहां पे के आएगा वहां पे कोल्ड, सारे के सारे कोल्ड डिजर्ट शामिल हैं, जैसे लाहौल स्पीति हम कह सकते हैं भारत में कोल्ड डिजर्ट है। और जब हम W और H करते हैं तो होट की बात होती है, हम कह सकते हैं थार के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दोनों क्लास शामिल की जाती हैं इसके अंदर, स्टेपी क्लाइमेट है, होट और कोल्ड डिजर्ट दोनों इसमें शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे प्रिसिपिटेशन कम होता है, वेपरेशन अधिक होता है। देन हम लेते हैं सी, सी के अंदर सी एफ सी एस सी डब्ल्यू, तीन क्लास शामिल कर सकते हैं हम कहेंगे यहाँ पे मेसोथर्मल क्लाइमेट नो ड्राई सीजन। अभी बताया था आपको जहां पे भी स्मॉल एफ आएगा वहां पे हम नो ड्राई सीजन की बात करेंगे। देन मेसोथर्मल क्लाइमेट समर ड्राई, मेसोथर्मल क्लाइमेट विंटर ड्राई, विंटर ड्राई। तो ये हमारे सी की क्लास है, इसी तरह से हम डी की ले सकते हैं। डी एफ रहेगा, डी एस रहेगा, डी
डब्ल्यू रहेगा। डीएस ज्यादा इफेक्टिव नहीं है इस क्लास के अंदर, क्योंकि डी माइक्रो थर्मल क्लाइमेट है, वहां पे विंटर ज्यादा आ जाता है, समर कम हो जाता है, इसलिए समर ड्राई ज्यादा इफेक्टिव क्लास नहीं मानी जाती। हम कहेंगे यहां पे माइक्रो थर्मल क्लाइमेट एफ मतलब नो ड्राई सीजन, माइक्रो थर्मल क्लाइमेट विद समर ड्राई नॉन इफेक्टिव मानी जाती है ये क्लास यहां पे। डीडब्ल्यू माइक्रो थर्मल क्लाइमेट विद विंटर ड्राई, तो ये डी की क्लास है। इसी तरह से आप ई की क्लास ले सकते हो। ई की क्लास में क्या रहेगा, ई की क्लास में जो हमने सब क्लास ये यूज की है उनमें से कोई भी प्रयोग नहीं होता। ई के साथ कैपिटल टी और ई के साथ कैपिटल एफ यूज किया जाता है। ई मतलब हमने कहा पोलर क्लाइमेट, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है ध्रुवीय क्षेत्रों को ई क्लास माना जाता है। यहां पे हम टी का मतलब टुंड्रा कहेंगे, यहां पे हो जाएगा टुंड्रा पोलर क्लाइमेट, और ई एफ का मतलब परपेचुअल क्लाइमेट, मतलब इसे आइस कैप क्लाइमेट भी कहते हैं। यहां पे ई एफ में वो प्रदेश शामिल हैं जो बर्फीले हैं और जिनमें ज्यादा बर्फ जमी रहती है, और टुंड्रा प्रदेशों में भी क्या है ठंड रहती है, बट यहाँ पे ह्यूमन सेटल्समेंट पाई जाती है। ई एफ में ह्यूमन सेटल्समेंट कम पाई जाती है। तो ये हमारी क्लास थी। इसके बाद आता है एच क्लास। एच क्लास में हमने बताया कि हाईलैंड शामिल है, वहां पे कोई भी सब क्लास का यूज नहीं होगा। अब बात है कि ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है तापमान और वर्षा के ऊपर आधार बना के, मीन मंथली टेम्परेचर और मीन मंथली रेनफॉल, वार्षिकी और मंथली दोनों आधारों पर ये दिया गया है। तो ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को हम भारत के मानचित्र के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि देखिए हम इस तरह से शो कर सकते हैं मानचित्र में। हम कहें कि ये जो प्रदेश है ये सारे का सारा ए एम है, ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट, यहाँ पे इफेक्टिव ज्यादा होती है। यहाँ पे ए डब्ल्यू है, सवाना क्लाइमेट इसे बोलते हैं। ए डब्ल्यू बहुत बार क्वेश्चन आता है, ए एम और ए डब्ल्यू का नेट के पेपर में भी आता रहा है। जो उत्तर भारत के विशाल मैदान में है वो मेसोथर्मल क्लाइमेट है, सी डब्ल्यू जी से कहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में डी एफ सी पाया जाता है, माइक्रो थर्मल क्लाइमेट। यहाँ पे उत्तराखंड के इन प्रदेशों के अंदर ई टी पाया जाता है, पोलर टुंड्रा क्लाइमेट। जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में ई पोलर क्लाइमेट पाया जाता है। थार के अंदर बी क्लास मिलती है, थार में हम गुजरात के कुछ हिस्सों को शामिल करते हुए बोल रहे हैं। यहाँ पे बी क्लास पाई जाती है, बी एस एच डब्ल्यू इसी के साथ लगता हुआ, बी एस की बजाय बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू बी एस एच डब्ल्यू। यहाँ पे स्टेपी क्लाइमेट ये है जिसमें हरियाणा प्रदेश के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में टोटली डेजर्ट शामिल है, जिसमें हम थार कह सकते हैं, वैसी कंडीशन जहां पे प्रेवलेंट होती हैं। तो इतनी प्रकार की क्लासेस हैं। तो कोपेन भारत के मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को मेसो और माइक्रो लेवल पे भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इस क्लासिफिकेशन की मेरिट और डिमेरिट बनती है। मेरिट्स के अंदर हम पहले कह सकते हैं कि यह क्लासिफिकेशन टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन पर आधारित है। तापमान और वर्षा किसी भी क्लाइमेट के दो महत्वपूर्ण इंडिकेटर माने जाते हैं, जो वहां पे डिसाइड करते हैं कि क्लाइमेट कैसी होगी। इसलिए है तापमान और वर्षा पर आधारित है, तो इस क्लासिफिकेशन का रेलेवेंस अधिक बन जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें क्लास सब क्लास यूज की गई है, जो बहुत अच्छी है, याद करने में रेलेवेंट रहती है, आसानी है, सुगमता से और सुविधा पूर्वक इसको याद किया जा सकता है। रिसर्च के पोर्शन से भी कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का अधिक सदुपयोग विभिन्न यूनिवर्सिटीज में हुआ है। इस क्लासिफिकेशन को आधार बनाकर विभिन्न प्रकार के रिसर्च प्रोजेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को यह क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन शामिल करता है। यह एक ओपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, यह भी बड़ी बात है। अर्थात हम कह सकते हैं ए बी सी डी ई एच, यहाँ पे 6 क्लास यूज की गई है। यदि और कोई प्रकार की जलवायु का डिस्कवर होता है, वो किसी भी प्रकार की जलवायु आइडेंटिफाई हो सकती है, तो ये ओपन क्लासिफिकेशन है। आगे किसी भी अल्फाबेट से इसको हम समायोजित कर सकते हैं, इसमें समायोजन है अभी भी। तो ये इसकी मेरिट्स बनेंगे। डीमेरिट्स के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, डीमेरिट्स में हम कह सकते हैं कि टू मच कोड्स वर्ड, इसमें कोड वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं सब क्लासेस के अंदर, तो याद रखना मुश्किल है, एक सामान्य आदमी के दिमाग से दूर रहता है ये क्लासिफिकेशन, याद नहीं होता।
इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें केवल दो इंडिकेटर्स को रिलेवेंस दिया गया है, महत्व दिया गया है, पहला है वर्षा, दूसरा है तापमान। अब मैं पूछना चाहता हूं सभी से कि क्या किसी भी जलवायु, किसी भी प्रदेश की जलवायु को डिसाइड करने में केवल दो ही कारक महत्वपूर्ण है, तापमान और वर्षा? इसके अलावा एयर प्रेशर है, विंड सिस्टम है, सोलर रेडिएशन है, अन्य कारक है, उनको यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्रिटिसिज्म बनता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि रिसर्च में जब हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ये खुद को भी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से इसको हम अपने प्रदेश के अंदर अप्लाई करें, क्योंकि तापमान और वर्षा के रिलायबल डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाते। कुछ ही ऐसे सेंटर हैं दुनिया के अंदर या भारत के अंदर जहां पे रिलायबिलिटी है डाटा की, चाहे टेम्परेचर का हो चाहे वर्षा का हो, हर जगह से ये डाटा अवेलेबल नहीं हो सकते। तो इन मेरिट और डिमेरिट्स की चर्चा करके हम ये कह सकते हैं, अंत में कहेंगे कि यह क्लासिफिकेशन एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है। बहुत लंबे समय से क्लासिफिकेशन के प्रयास होते गए, लेकिन कोपेन के क्लासिफिकेशन को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली, जिसका मूल कारण यह है कि कोपेन मूल रूप से क्लाइमेटोलॉजिस्ट होने के साथ साथ बोटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञानी भी थे। उन्होंने कोशिश की कि ऐसा क्लासिफिकेशन, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया जाए जो नेचुरल वेजिटेशन क्लासिफिकेशन के साथ समायोजित हो सके, उस जैसा सीमांकन हो सके। इसलिए कैंडोल के क्लासिफिकेशन को आधार बनाकर कोपेन ने अपना पहला जो प्रयास है वो 1900 ईस्वी में किया था, और यह क्लासिफिकेशन सबसे लोकप्रिय रहा है आज तक के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। तो इसके माध्यम से हम दो तीन क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहेंगे। कई बार ये क्लास और सब क्लास लिख दी जाती हैं, जैसे कहेंगे कि AM नेट के अंदर दे दिया जाता है किस प्रकार की क्लाइमेट है, तो हम आप कहोगे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। कई बार आ जाता है CS, हम कहेंगे माइक्रो मेसोथर्मल क्लाइमेट विद समर ड्राई सीजन, मीन्स समर वहां पे ड्राई रहता है, किसी भी समर के महीने में 6 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा नहीं होती। तो इस प्रकार के कोर्स वर्ड्स देके आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एयरस्टेट के पेपर में भी आते हुए देखा हमने किसी भी प्रदेश के पात्रता परीक्षा में और यूजीसी नेट में, कि कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किन मुख्य आधारों पर आधारित है। हम कहेंगे टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन। एक बार ये भी क्वेश्चन आया है कई बार कि कोपेन की जो क्लास है वो थर्मल क्लास कौन सी है और मॉइस्चर क्लास कौन सी है। तो मॉइस्चर क्लास केवल एक है, बी, थर्मल क्लास इसमें 4 है, A, C, D, E, ये थर्मल क्लासेज है। तो इस प्रकार से आप क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में जो मैंने आपको डेट बताई है 1900 ईस्वी, 1918, 1931, 1936, 1953 कोपेन गीगरपाल क्लासिफिकेशन के रूप में भी क्वेश्चन आया है, तीन क्वेश्चन का अध्ययन करके आप अपने आप को ठोस और मजबूत कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है ताकि मास्टर डिग्री के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, वो अपने घरों पे रह के लॉकडाउन में अपनी तैयारियां कर सके। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम क्लाइमेटोलॉजी के किसी और विषय के रूप में आपके सामने हाजिर होंगे, उसके बाद में अन्य विषयों के ऊपर भी हम जाएंगे, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है वे अन्य विषय हैं। थैंक यू वेरी मच।